preview. Hello everyone, welcome to Four Wheeler Scooter and welcome to Bougie Childhood. वेलकम टू माई चाइल्ड हुड होम गाइज, ये घर जिसमें मैं पली बड़ी हूँ यमुनानगर में, आपका स्वागत है मेरे घर में। और अलाइना पहली बार अपनी नानी होम में आई थी, तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो डेकोरेशन हुआ हुआ था, सरप्राइज़ खुशी, और उसकी मामी ने पूरा घर सजाया हुआ था। पहली बार वो अपनी नानी, मामी, मामा, मासी, मासा, सारे बच्चों को पहली बार मिली थी, सो इट वॉज सुपर फन गाइज, सो वेलकम टू माई होम। तो नॉर्थ में दो टाइप के लिविंग रूम होते हैं, एक जो बाहर आपने कॉमन सेटअप देखा वो यू नो फॉर द पीपल हु आर कमिंग इन एवरी डे, क्योंकि नॉर्थ में लोग आते ही रहते हैं गेस्ट के तौर पर, अतिथि देवो भव। और दूसरा होता है स्पेशल लिविंग रूम जो कि है ये। एंड ऑन द लेफ्ट इज द पब्लिक टॉयलेट फॉर द गेस्ट्स, लाइक हियर। खेलने का तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारा कोजी एरिया जहाँ पर हमारी बहुत सारी गेम्स हैं, जेंगा, कार्ड्स, और यू नो वी प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स हियर। यहाँ पर बहुत सारी हमारी फोटोज भी हैं और बहुत सारे बच्चों के टॉयज भी हैं। ये हमारे बच्चे हैं जीनी, शीनी, खुशी, वीर, अश्मित, रूमी, और आप देख सकते हैं अब ये कितने बड़े हो गए हैं। और अब इनके साथ आ गई है अलाइना भी। दिस इज आवर डाइनिंग कम किचन एरिया गाइस, यहाँ पर हम सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट घर का वो है ये मंदिर, मैं आप लोगों को बता दूं। चलो आरती भी ले ली, और मेरी आरती भाभी, मतलब मेरी भाभी का नाम आरती है, उस ब्रिलियंट इन कुकिंग, तो वो पूरा किचन यहाँ पर मैनेज करती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस किचन के साथ साथ पीछे वहाँ पर ड्राइंग एरिया जहाँ पर साफ सफाई होती है, और उसके पीछे एक सीक्रेट एग्जिट भी है। So I'm going to take you to my mom dad's room guys. Or unfortunately my dad is no more, but here he is and he is in our hearts too. Aur jaise ki aap dekh sakte hain ki main bahut unke jaisi dikhti hu, mere dimples, meri chin, exactly just like my dad. So here is the room, take a look. And here is one of my pictures in our trip from school. Don't get scared. Yeah, but school trips are like that. Chill. Now we're going to go to Mama Mami room. Hi. This is Mama Mami room. Ye dekho. Dekho Mama Mami. Shaadi mein kaise dikhte the. अच्छा लगा ना तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू फॉर व्हीलर स्कूटर। यहाँ पर होती है कपड़ों की वॉशिंग, स्टोरेज ऑफ अनियंस एंड एक्स्ट्रा वर्क ओवर। यहाँ पर है हमारा किचन गार्डन। Look who we found guys, a beetle. जब हम छोटे होते थे हम इसमें पास फेल करते थे, अगर ये पास पे उड़ जाता था तो मतलब हम पास होंगे, अगर ये फेल पे मतलब हम फेल होंगे। आई नो प्रीटी लेम, बट बचपन में ऐसे ही होते थे। ओ उड़ गया, अरे मैं पास हुई या फेल, ओ माय गॉड, वी विल हैव टू फाइंड दैट आउट। बट या प्रीटी मच, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर मूली लगी हुई है,
इधर है मूली, ये आई शो यू गाइस, ठहरो। ओके हाँ, ये मूली रेडी लग रही है, आर यू रेडी गाइस? मूली में कांटे बहुत होते हैं और ऐसे 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 आपको करना पड़ता है, नहीं तो अंदर ही रह जाती है। रैम्बो, ये है हमारी किचन गार्डन की मूली। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। वहां पर पालक लगी हुई है, उधर धनिया है गाइस, एंड तो जनरली जिन लोगों को शहर में पता नहीं है, ये कस्सी है, और मेरे गांव में भी कस्सी है और ट्रैक्टर है, और वहां पर भी हम लोग ऐसे बहुत फार्मिंग करते हैं। आई एम गोना शो यू गाइस दैट टू। फिलहाल यहाँ पर तो ये तुलसी है, विच इज तुलसी माँ का पेड़, एंड और भी आगे बहुत सारे हैं गाइस। वहां दूसरी तरफ अलाइना का ध्यान रखते हुए करण, आई थिंक इज एन ऑसम डैड, व्हाट डू यू थिंक गाइस? अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे, लेवल टू, जहां हमने अलाइना के लिए एक बहुत स्पेशल रूम रेडी किया है। चल मुझे रुको रुको, मुझे रूम सेट करना है। ओके चलो, मैं तब तक आपको पूजी की ट्रॉफी दिखाती हूँ जो उन्होंने कॉलेज और स्कूल में। ओके एक तरफ वहां पर आ रहे हैं रूम का सेटअप कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर इसने सेटअप किया है मेरी ट्रॉफीज और ओ या सो मेनी ऑफ देम। चेक दिस आउट गाइस, ये मेरी एनसीसी की कॉलेज के टाइम की है एज यू कैन सी, और ओ वेट फॉर इट वेट फॉर इट, ये मैं मिस चंडीगढ़ थी, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एज यू कैन सी, 2006, ओ माय गॉड 14 इयर्स बैक, एंड ये कॉलेज की इंटरजोनल, ओ भाई साहब संभाल के, मेरी मम्मी शी विल किल मी इफ एनीथिंग हैपेंस टू दिस। पीछे बास्केटबॉल की ट्रॉफीज हैं और ऐसी बहुत सारी ट्रॉफीज बेड के अंदर स्टोरेज में भी पड़ी हुई हैं, और ये हमारे आरिवीर की मैक्सिकन हैट जो मैं अंदर जाके आरिवीर को प्रेजेंट करने वाली हूँ, क्या कहती है खुशी। और यहाँ पर जनरली भैया अपने ऑफिस का काम करते हैं अभी, सो अभी ये उनका ज्यादातर रूम हो गया, तो चलिए देखते हैं कि आरिवीर ने वहां पर रूम सेटअप किया कि नहीं। That is so pretty. I love it. और प्राइस के तौर पर आरिवीर सिंह को मिलता है मैक्सिकन हैट, इसको पहन के रखना पूरे हाउस टूर में, ओके? एंड सच अमेजिंग पोस्टर गाइस, ये मेरा रूम हुआ करता था जब मैं छोटी थी, और अब यहाँ पर ये बच्चों का रूम हो गया है, एज यू कैन सी देयर सो मेनी प्रिटी पोस्टर्स, आई लव इट गाइस, आई लव इट। और अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ सीक्रेट टनल में। चलिए सीक्रेट टनल का यहाँ से दरवाजा है, एंड लुक हू वी हैव हियर, आर यू सीइंग योर लाइफ फोटो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। यहाँ पर सब बच्चे जब कजन इकट्ठे होते हैं, ये लोग सब बच्चे छुटपुट छुटपुट। सो नाउ इधर से इंटरकनेक्टेड है दूसरे रूम के लिए, जो कि अगेन इज अ किड्स रूम, और यहाँ पर पूरा दिन खुशी पाई जाती है पढ़ाई करते हुए, संतरे खाते हुए, एंड दैट इज द क्यूटेस्ट पिक्चर ऑफ आर्यवीर एंड खुशी। और अब मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ, ये हमारा टेरेस एरिया है, यहाँ पर फिलहाल सूख रहे हैं कपड़े एज यू कैन सी, एंड यहाँ पर गाइस मैंने बहुत सारी बॉल्स इकट्ठी की हैं, हम नीचे जब क्रिकेट खेलते हैं ना तब इधर आकर बॉल्स इकट्ठी हो जाती थी, और मैं कूद कर यहाँ से सारी बॉल्स इकट्ठी करती थी। एंड उस तरफ ऑन योर राइट इफ यू पैन एंड यू सी, उस तरफ है एक और टेरेस और एक और ग्रैंड रूम, अब मैं आपको वहाँ पर लेकर जाने वाली हूँ। सो वेलकम टू दिस ग्रैंड रूम जो मेरे पापा ने ये सोच के बनाया था कि सब जब बच्चे आएंगे और उनके बच्चे आएंगे तो वो सब इस रूम में आराम से चिल कर सकते हैं, एंड बहुत सारे दरवाजे हैं यहाँ पर, और आप सोच रहे होंगे दरवाजे के पीछे कौन था। सो ये दरवाजे के पीछे यहाँ पर स्टोर रूम है, नाउ दिस ओपन्स टू द टेरेस आई वाज रेफरिंग टू अर्लियर, एंड और यहाँ पर सुबह सुबह पी जाती है मस्त चाय ओवर लुकिंग द एंट्री ऑफ द हाउस।
चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं इस कमरे के बाथरूम में। Always better to check. Oh good lord, here we go again. Are you seeing in his stuff? ये हर बार नहाता ही रहता है और यहाँ पर आरे जब बोर होता है तो चेस भी खेल लेता है। चेक मेट, लेट्स गो। वेलकम टू आर हाउसेस ग्रेप वाइन यार्ड गाइस, विच इज नथिंग लेस देन या प्रीटी मच, बट ओके। सो दिस आर ग्रेप वाइन यार्ड जहाँ पर इतने अमेजिंग ग्रेप्स लगते हैं एंड दे आर यम। कभी कभी कुछ खट्टे होते हैं और फिर हम आरवी बोलते हैं आरवी रैन दे जस्ट बिकॉज अंगूर खट्टे, तो ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहते हैं आरवी? सो ये लेवल 3 और लेवल 2 के बीच में हमारा जो टेरेस है यहाँ पर कभी कभी जब हमारे यहाँ पर 40-50 लोगों की पार्टी होती है सो वी यूज दिस एरिया गाइज। सो यू कैन टेक अ लुक, इट्स प्रीटी चिल, बहुत अच्छा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम होता है यहाँ पर एंड जनरली गेस्ट यहाँ पर होते हैं एंड द फूड एंड द बेवरेज काउंटर इज इनसाइड, दैट इज ऑन लेवल 2 एंड आई एम गोना शो यू गाइज दैट टू। टेक अ लुक, ये आम का पेड़ है जो मैं आपको नीचे अपने ट्रीज जब दिखाऊंगी तब मैं उसके साथ में दिखाऊंगी। आई थिंक आई नीड सो मच टाइम टू शो यू गाइस माय चाइल्डहुड होम, आई हैव सो मेनी मेमोरीज, इट्स नॉट इवन फनी। सो दीज आर आवर हाउस हेल्प क्वार्टर्स गाइस एंड ये है पूरी लाइन हमारे मैंगो ट्रीज की। एक अचारी आम है, एक अल्फांसो आम है एंड और क्या कहते हैं अरे वी सुना ना, वी हैव एन इनसाइड मैन फॉर द डिटेल्स। और कौन कौन से तरीके के आम है? कौन सा शेरी? यस एग्जैक्टली द शेरी एंड और बता और कौन कौन से पेड़ है? अचारी, ये अचारी है, ये अचारी, ये दोनों अचारी है और बाकी और ये बेचारा लाचारी है। ओके सो दीज आर द मैंगो ट्रीज एंड उसके बाद वहाँ पर है गुआवा ट्री और छोटे छोटे हर्ब्स वगैरह की भी है, जैसे कि आपने पीछे देखा था ग्रीन चिली है एंड वी हैव एन अमेजिंग नींबू का पेड़ व्हिच आई एम गोना शो यू नेक्स्ट। कम उस साइड है हमारा जनरेटर और सिक्योरिटी गार्ड भैया का रूम, जनरेटर इज आउटसाइड और यहाँ पर है सारे के सारे हमारे ट्रीज एंड प्लांट्स, सम पार्सली हियर और यहाँ पर गेंदे के फूल का है पॉट एंड हियर इज आवर फेमस लेमन ट्री। सो एज अजय सेज व्हेन लाइफ गिव्स यू अ लेमन प्लांट और लेमन ट्री, और यहाँ के नींबू की खासियत यह है कि उसमें बीज नहीं होता है, वल्ला एज आरवीर सेज। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर का यहाँ पर कमरा है, अरे कौन रहता है यहाँ पर? थॉर। थॉर इज हू? बाहर मत निकालियो। हाय थॉर, हू इज अ गुड बॉय? हू इज अ गुड बॉय? हू इज अ गुड बॉय? थॉर इज आवर डॉबरमैन। अनदर वेरी एक्साइटिंग थिंग इज दिस चूल्हा गाइस, थॉर ये मिट्टी का चूल्हा है जहाँ पर दूध, कड़ा हुआ दूध, कड़ी हुई लस्सी जिससे बनती है और कभी कभी जो सब्जियाँ हैं वो हम इसमें बनाते हैं मिट्टी के कटोरे में, मतलब एक्चुअली हांडी में एंड इट टेस्ट यम। और एज आरवीर से वल्ला नाउ कवर इट एंड आई एम गोना टेक यू टू आर लेवल 3 विच इज टेरेस। So come on guys, let's go to level 3 on 4-wheeler scooter. Come on guys. दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया में छतों का बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है, वो भी लव स्टोरी में, क्योंकि सब एक दूसरे की छत पर एक दूसरे को देखते हैं और ताकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी छत की तरफ लेकर जाती हूँ और आपको बताती हूँ अपनी छत की स्टोरी। वेलकम टू आवर टेरेस गाइस। टेरेस की खासियत ये है गाइस कि जब भी मैं अपसेट होती थी तो ये यहाँ पर एक टेरेस बेड है, मैं उस पर आ जाती थी और बैठी रहती थी और सल्क करती रहती थी जब तक कोई मुझे मनाने ना आए। सो बट द व्यू वाज अमेजिंग एंड यहाँ पर हमारे घर की एंट्रेंस है और अब यहाँ पर हो रहा है टीटी का मैच। यस गुड जॉब। हाँ हाँ, और इसी के साथ आरवी और खुशी हार गए हैं गाइस। आई होप यू लाइक द होम टूर, मेरे बचपन का घर जहाँ पर मेरी इतनी सारी यादें हैं। सो सब्सक्राइब टू 4-wheeler scooter एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट बिलो, आपका घर कैसा था, आपकी घर से जुड़ी आपकी यादें कैसी थी, व्हाट डू यू गाइस वांट टू से? डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। यस टू सेम। और 4-wheeler scooter।
See you guys later.